हेलो। हाँ नहीं, मैं तो क्लिक नहीं पी हूँ और क्या, रोज की तरह। अंकल जी की तबीयत कैसी है? अच्छा, आराम है कुछ? अच्छा, ऐसा करिए कि आप क्लिनिक ले आइए। हाँ, कल तो संडे है, छुट्टी रहेगी, मंडे ले आइए। मैं उनके कुछ टेस्ट भी कर लूँगी और अगर दवाई चेंज करनी होगी तो वो भी कर दूँगी। हेलो डॉक्टर। हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें शाम को फ़ोन करती हूँ, ठीक है? हाँ, अभी कुछ पेशेंट आए हैं। ओके बाय। हाँ तो बोले प्रेम, कैसे आना हुआ? डॉक्टर आपको तो पता है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है हाँ वो तो है। और मैं एडवांस ज़माने का हूँ और नए ज़माने के साथ जीता हूँ और बिल्कुल। जीना भी चाहता हूँ। और मेरी वाइफ बेहद खूबसूरत है और आपको तो पता है लव मैरिज हुई है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी वाइफ को कम से हाँ कम 3 साल तक प्रेग्नेंट नहीं चाहता और सेक्स करना चाहता हूँ, रोज करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए कि वो प्रेग्नेंट भी ना हो और मैं सेक्स भी करूँ। तो ये तो सब आप ही के हाथ में है प्रेम। आप जब चाहें अपनी बीबी को प्रेग्नेंट करें, जब ना चाहें तो ना करें। अब इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? आपको तो पता है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे कॉन्डम ले लीजिए या फिर कोई भी प्रिकॉशन अपनी वाइफ के लिए ले लीजिए। तो जब तक नहीं चाहेंगे आप प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसमें आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर। कोंडा मैंने इस्तेमाल किया, अच्छा। 1-2 बार मैं इस्तेमाल किया, लेकिन प्रॉब्लम यह कि कोंडम लगा के मुझे मज़ा नहीं आता। आज तक कभी यूज़ नहीं किया और मैं अपनी वाइफ के साथ अगर कोंडम लगा के सेक्स करूँ तो क्या फ़ायदा? मुझे विदाउट कोंडम सेक्स करना है। आप मुझे कोई घरेलू ऐसा नुस्खा बताइए कि वो प्रेग्नेंट भी ना हो और हम दोनों। मैं समझ रही हूँ प्रेम, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई बाहर से दवाई ना ली जाए, घरेलू कुछ ऐसा उपचार हो जिससे कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट भी ना हो और जब तक आप ना चाहें और मज़े भी ले सकें। बिल्कुल तो उसका तो आप ही के हाथ में है। जैसे आप अपनी वाइफ के साथ में सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद में जैसे आप, बहुत सी वाइफ होती हैं कि भाई लेट गई या सो गई, क्योंकि उस वक्त ऐसा फील होता है, लेकिन उसके बाद आप उसे बाथरूम करने के लिए भेज सकते हैं। उससे भी आपके जो वाइफ के अंदर जो वीर्य गया है वो निकल जाएगा, प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत कम रहेंगे। या फिर उसे हल्दी वाला दूध भी आप दे सकते हैं। दूध तो पीती नहीं है। देखिए, अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे मार्केट के और घरेलू उपचार चाहिए, घरेलू उपचार तो यही है, आप हल्दी वाला दूध देंगे तो जब तक आप ना चाहें प्रेग्नेंट नहीं होगी, जिस दिन आप चाहेंगे तो ये सब कुछ बंद कर दीजिए। अच्छा, मेरा बड़ा भाई है, हाँ उससे भी मैंने इस बारे में सलाह की थी। उसने ओ, मुझे एक राय दी। क्या? उसने मुझसे कहा, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसे 5 साल के बाद बच्चे की। अच्छा। उसने कहा जब तू अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बनाता है और जब तू चरम सीमा पर हो, जब तेरा वीर्य निकलने वाला हो, तो तू अपना वीर्य बाहर निकाल दे, हाँ ये तरीका भी अच्छा है। तो इससे वो प्रेग्नेंट तो नहीं होगी। नहीं बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब वीर्य ही नहीं जाएगा उसकी योनि में तो प्रेग्नेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना प्रेम। पूछिए। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं 3-4 साल तक ऐसे ही करता हूँ और बाद में कहीं मैं बाप बनने लायक रहूँगा नहीं रहूँगा? वैसे इस तरह की प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप चाहें तो मेरे ख्याल से आप कॉन्डम का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्रिकॉशन हम अपनी तरफ से दे रहे होते हैं या कोई भी फीमेल ले रही होती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। और हाँ प्रेम, शायद आपको एक चीज़ की जानकारी नहीं है कि आजकल एक मेल के कॉन्डम के साथ साथ में एक फीमेल के लिए भी कॉन्डम अवेलेबल है मार्केट फीमेल में। कॉन्डम? हाँ अभी ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, फीमेल कॉन्डम भी बना है। और कॉन्डम अगर आप यूज नहीं करना चाहते या आपको नहीं, किसी वजह से आपको एलर्जी है या कोई भी समथिंग कोई भी है, तो आप ना करके अपनी वाइफ से यूज़ करवा लीजिए, क्या लेकिन फ़र्क। लेकिन फीमेल कॉन्डम यूज कैसे होता है डॉक्टर? हाँ तो जिस तरह से आप जैसे अपने लिंग पर कॉन्डम का यूज़ करते हैं, इसी तरह एक फीमेल का यूज होता है कि उनकी योनि में कॉन्डम को फिट कर दिया जाता अरे है, फिर वाह, आप आराम से अपना सेक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी और आप लाइफ का पूरा मजा उठा पाएंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि मैं कोंडम का इस्तेमाल ना करके अपनी वाइफ का कोंडम का इस्तेमाल बिल्कुल करूं बिल्कुल तो हम दोनों को सेक्स का मज़ा भी बिल्कुल आएगा आएगा और वो प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। जी, बिल्कुल पर डॉक्टर एक सवाल मेरे मन में हो रहा है, बोलिए।
इसका उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, जिस तरह एक मेल को उस कंडोम लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो इस तरह फीमेल को भी नहीं होगा। और जब मैं अपना वीरिया छोड़ता हूँ तो वो कंडोम में ही रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। अच्छा अच्छा, तो इसमें हम दोनों को कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं। आप जब तक चाहें अपना प्रेग्नेंट ना हो के आपकी वाइफ इंजॉय भरी लाइफ जी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से जब चाहें आप बाप बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है ना डॉक्टर, आप पता नहीं वो इस बात के लिए राजी होती है नहीं होती। ये तो आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो इस तरीके से राजी नहीं है, उस तरीके से नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? और कोई घरेलू नुस्खा है कुछ? देखिए, जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी, और जो घरेलू उपचार थे उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। अब अपनी लाइफ के लिए आपको जो भी चीज़ सुटेबल लगती है आप वो यूज कर सकते हैं। आपने मुझे तीन नुस्खे बताए जी। एक तो सेक्स करने के बाद में बाथरूम करवाना। हाँ बिल्कुल। दूसरा हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध जो कि वो पीती नहीं है। हाँ। तीसरा कोंडम उसके लिए। हाँ। तो मुझे इसमें से बेहतर लगा कोंडम। हाँ। नई टेक्नोलॉजी है बिल्कुल, और मजा भी आएगा बिल्कुल। और जब मुझे बच्चा चाहिए होगा तो मैं कोंडम का इस्तेमाल बंद कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर, ये कोंडम मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा अच्छा जी। बस एक प्रॉब्लम है कि मैं उसका इस्तेमाल उसके ऊपर कैसे करूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जिस तरह आप अपने लिंग पर उसको चढ़ाते हैं, उसे यूज करते हैं, उसी तरीके से उसके योनि में उसे फिट किया जा सकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसके बाद में आप सेक्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है डॉक्टर, मैं आज ही ये वाला कंडोम इस्तेमाल करता हूं बिल्कुल, और कल आपके आकर बताता हूं कि मैं सफल हुआ या असफल। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दी। थैंक यू। ओके ओके डॉक्टर, थैंक यू।